आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Assertion: Cross of F1 individuals with recessive homozygous parent is test cross. Reason: No recessive individual are obtained in the monohybrid test cross progeny. दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, assertion और reason, और पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। और अगर दोनों सही हैं तो क्या ये जो रीज़न है ये सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं assertion का। तो एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है क्रॉस ऑफ F1 individuals with recessive homozygous parent is test cross। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो टेस्ट क्रॉस होता है इसका मतलब है जो डोमिनेंट प्लांट है उसका क्रॉस कराएंगे हम किसी रिसेसिव प्लांट से, और जो इस टेस्ट क्रॉस का मेन पर्पस होता है वो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो डोमिनेंट प्लांट है, जिस भी ट्रेट के लिए डोमिनेंट है, क्या ये होमोजाइगस है या फिर हेटरोजाइगस है। तो रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ जो क्रॉस है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ये सही बात है। रीजन कहता है नॉन रिसेसिव इंडिविजुअल्स आर ऑब्टेंड इन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी। तो इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हम एक फॉर एग्जांपल बात करें पी प्लांट्स की, तो पी प्लांट के अंदर अगर हम बात करें फॉर द कैरेक्टर हाइट ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट हाइट की बात करें, और अगर हम बात करें एक टेस्ट क्रॉस की, तो इसमें हम दो सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं। पहला है कि ऐसा इंडिविजुअल जो कि होमोजाइगस है फॉर टॉल ट्रेट्स, और उसका हम क्रॉस करा रहे हैं विद रिसेसिव पेरेंट्स, तो ये हो गए हमारे पेरेंट्स। और ये अगर गैमेट प्रोड्यूस करते हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और ये वाला जो रिसेसिव पेरेंट है ये प्रोड्यूस करेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी गैमेट्स, और जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे तो ये चार तरह के प्लांट्स बनाएंगे, और चारों ही जो है वो हेटरोजाइगस होंगे और डोमिनेंट होंगे। एक दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि अगर हम एक हेटरोजाइगस पेरेंट लें जो कि डोमिनेंट है, और उसका क्रॉस करा दें विद रिसेसिव पेरेंट, और ये भी गैमेट्स बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये हो गए गैमेट्स। और जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो ये बनेंगे वन इज टू वन के रेशियो में होमोजाइगस और हेटरोजाइगस प्रोजेनी। अगर बात करें ये टी कैपिटल टी और स्मॉल टी की, और इस कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो ये जो है दे आर हेटरोजाइगस और हेटरोजाइगस डोमिनेंट। और वही बात करें अगर स्मॉल टी इसके जैसे दो हैं तो दे आर होमोजाइगस रिसेसिव, यानी शॉर्ट प्लांट्स, ड्वार्फ प्लांट्स। तो अगर हम देखें अपने रीजन को, तो रीजन कहता है नो रिसेसिव इंडिविजुअल्स आर ऑब्टेंड इन द मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी। ऐसा नहीं है, जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की प्रोजेनी है उसमें रिसेसिव इंडिविजुअल्स भी ऑब्टेन हो रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।